दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर और केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयनन चारों एक मंदिर में जाकर सिर झुका रहे हैं और इस मंदिर के बारे में पब्लिक को जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर ओवैसी बता रहे हैं। एक नया पॉलिटिकल प्लान बन रहा है और इसके सेंटर में भी मंदिर है। 2024 में अयोध्या के राम मंदिर का दर्शन शुरू हो जाएगा, ये बात कंफर्म है। उधर मोदी विरोधी मोर्चा एक नया मंदिर मॉडल लेकर आया है। ये मंदिर मॉडल क्या है, तीसरे मोर्चे के नेता इस मंदिर के बारे में क्या बता रहे हैं, इसमें अपना एंगल फिट करने के लिए ओवैसी क्यों मैदान में रहे हैं, समझते हैं इस पॉलिटिकल रिपोर्ट से। मंदिर में उसमें शैंडलियर कौन लगाए मालूम आपको? कौन लगाए शैंडलियर मालूम मंदिर में आपको? अब बीजेपी को मालूम होगा तो ने जाके देख के बोलेंगे शैंडलियर। ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शैंडलियर कौन लगा है मालूम आपको? मालूम कौसर आपको मालूम है आपको? हाँ, एक मुसलमान वो शैंडलियर दिया लगाओ बोल के मंदिर में। ये भारत है, कारोबार करते, मगर लोगों को मालूम था कि वो मुसलमान के पास शैंडलियर का एक्सपर्ट है, वो उन्होंने बना के दिए। ये भी हकीकत है। तो ये तेलंगाना में होता है और बीजेपी इससे नफरत करती है। ओवैसी किस मंदिर का जिक्र कर रहे हैं? और बीजेपी का जो भी नेता आता, ये नहीं, तुष्टीकरण की राजनीति करती है मंजलिस। तेलंगाना को आई के अपीसमेंट करते। अरे तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर यादाद्री में 1200 करोड़ की मंदिर बनाया, 1200 करोड़ की आलीशान मंदिर बनाया, तुम उस पर क्या बोलेंगे बोलो? नहीं बोलेंगे उस पर। ओवैसी किस मंदिर का पोस्टर चिपका रहे हैं? 2024 जो लोग अभी बोल रहे नहीं नहीं अभी भी मौका है, मगर शर्त क्या है? शर्त यह है कि मोदी के सामने कोई खड़ा नहीं होना। इन्हों खड़े हो गए, उन्हों खड़े हो गए, मैं हूं फुला नहीं, मोदी से मुकाबला। आप जैसा मोदी से मुकाबला करना है तो मोदी बनाम हैदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम सिकंदराबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम आदिलाबाद मुकाबला होना, मोदी बनाम महबूब नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम करीम नगर मुकाबला होना, मोदी बनाम तेलंगाना मुकाबला होना। ये मुकाबला जब होगा तब बीजेपी जरा परेशान हो जाती है। अरे ये क्या है रे भाई? ओवैसी किस मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं? वो मंदिर ये है। हैदराबाद से 63 किलोमीटर दूर यादगिरी गुट्टा का यदाद्री मंदिर। भगवान नरसिम्हा इस मंदिर में विराजमान है। भगवान नरसिम्हा भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार कहे जाते हैं और ये भव्य मंदिर 1200 करोड़ की लागत से बना है। ये देश का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको बनाने का पूरा खर्च स्टेट गवर्नमेंट ने किया है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मंदिर का जिक्र ओवैसी क्यों कर रहे हैं? इस मंदिर को बनाने में केसीआर सरकार ने 1200 करोड़ रुपए क्यों खर्च कर दिए? इस मंदिर में ऐसा क्या है? दरअसल केसीआर को इस मंदिर से 2023 और 2024 का रास्ता दिखाई दे रहा है। मोदी और बीजेपी के लिए राम मंदिर है तो केसीआर के लिए तीसरे मोर्चे का यदाद्री मंदिर, और जब चुनाव के रणक्षेत्र में तीसरा मोर्चा होगा तो बीजेपी के मंदिर के जवाब में केसीआर का मंदिर होगा। यदाद्री मंदिर को बीजेपी को चुनौती देने के हिंदू कार्ड के तौर पर भी देखा जा रहा है। मंदिर वाली सियासत का इम्पैक्ट केसीआर जानते हैं, इसीलिए जब खम्मम में नए नामकरण वाली भारत राष्ट्र समिति यानी BRS की पहली रैली थी तब केसीआर अपने मोर्चे के सभी नेताओं को सबसे पहले
यदाद्री मंदिर ले गए। स्टेट गवर्नमेंट ने 1200 करोड़ रुपए खर्च कर इस मंदिर का कायाकल्प किया है। मैसेज ऑल इंडिया लेवल पर जाए, इसलिए रैली में आए केरल के मुख्यमंत्री विजयन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के सीएम भगवंत मान, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को मंदिर में लेकर गए, जहां इन सभी ने भगवान नरसिम्हा के दर्शन किए। जहां इतना विकास हो रहा हो, वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। उनके मुद्दे, उनके फैसले हमें और आपको पीछे ले जा रहे हैं। इसलिए आज जरूरत है प्रोग्रेसिव नेताओं की, प्रोग्रेसिव सरकारों की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश को पीछे कर दिया है हर चीज में, हम सब मिलकर के जो मंच पर बैठे हैं और प्रदेशों में भी हैं, जो साथ मिलकर के काम करेंगे, तो देश को एक नई सरकार भी और नए तरह का एक प्रोग्रेसिव एजेंडा दे करके देश को आगे ले जाने का काम करेंगे। गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी नेताओं को एक मंच पर जुटाकर केसीआर ने अपने इरादे जाहिर कर दिए कि वो 2024 के लोकसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाने जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये विपक्षी एकजुटता को कितना मजबूत करेगी और 2024 में नरेंद्र मोदी और बीजेपी को कितनी बड़ी चुनौती देंगे। ये सवाल इसलिए क्योंकि केसीआर ऐसा मोर्चा बनाने में जुटे हैं जिसका इरादा तो बीजेपी का मुकाबला करना है, लेकिन वो कांग्रेस को मोर्चे से बाहर रखना चाहते हैं। और ओवैसी को भी केसीआर की गाड़ी में पिकअप नजर आ रहा है, जो मंदिर के साथ मुसलमानों का रिश्ता जोड़कर मोदी के खिलाफ 2024 की रेस जीतने का सपना देख रहे हैं। इस मंदिर को बनाने में अलग अलग राज्यों से आए करीब 600 शिल्पकारों की अहम भूमिका रही। 200 मुस्लिम शिल्पकारों ने भी अपनी अहम भूमिका इस मंदिर के निर्माण में दी है, और माना जाता है इन सभी ने जब तक इस मंदिर का निर्माण होता रहा तब तक पूरी निष्ठा के साथ काम किया है, और जब तक वो काम कर रहे थे तब तक किसी तरह का मांसाहार या फिर मद्यपान तक का सेवन नहीं किया। लेकिन हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी ने अपने एक बयान में सिर्फ एक व्यक्ति की बात की। उन्होंने कहा कि अंदर मंदिर के अंदर जो झूमर लगे हैं उसमें उस एक व्यक्ति की अहम भूमिका रही है। अब उन्होंने ये बात क्यों कही है, इसके पीछे की राजनीति क्या है, ये तो समझ आ ही जाता है। केसीआर तीसरा मोर्चा तैयार कर रहे हैं, ओवैसी मोदी को पटखनी देने की बात कर रहे हैं, लेकिन क्या ये इतना आसान है? अगर केसीआर के लिए यदाद्री मंदिर का निर्माण बीजेपी और मोदी के खिलाफ हिंदू कार्ड है, तो मोदी के तरकश में भी कई भगवा तीर हैं। मोदी राम मंदिर की नींव रखते हैं तो काशी कॉरिडोर को भी धरातल पर उतारते हैं। मोदी के मन मंदिर में सोमनाथ द्वारकाधीश से लेकर बद्री केदार भी विराजते हैं। भगवा प्रेम की प्रतिस्पर्धा में विरोधी मोदी से कोसों दूर है। केसीआर मोदी के काउंटर के तौर पर जो तीर चलाने की सोच रहे हैं, बीजेपी अब उनके बेटे केटीआर के एक बयान के आने के बाद उसे कुंद करने पर जुट गई है, जिसमें केटीआर ने कहा कि तेलंगाना सरकार द्वारा खर्च किए हर पैसे का कोई न कोई फायदा जरूर मिलता है। बीजेपी ने इसे अब मुद्दा बना लिया है। बीजेपी कह रही है कि केसीआर फैमिली मंदिर में इन्वेस्ट के नाम पर पैसा उगा रही है। कलवाकुंटा जो परिवार का एक ही मकसद है कि जैसा भी चाहिए, सिर्फ पैसा बनाने का। यादाद्री मंदिर जो तेलंगाना की आम जनता के लिए लक्ष्मी नरसिम्ह स्वामी भगवान है, पिछले बहुत सालों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बहुत से लोग, आम जनता वहाँ पर जाके प्रार्थना करती है और लक्ष्मी नरसिम्ह स्वामी का दुआ लेते हैं। केसीआर सिर्फ, उनका परिवार सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के लिए में बारे में सोचते रहते हैं। अभी पूरे के पूरे यादाद्री जो मंदिर के आसपास जो जमीन है, वो जमीन सिर्फ केसीआर और उनका परिवार और बीआरएस के बड़े नेता उसमें जो इन्वेस्टमेंट जो करे है, ताकि हुंडी में जो आजकल जो हिंडी में अपना जनता जो अपना जो ऑफरिंग करते हैं जो पैसे के रूप में और नगद के रूप में और दूसरे के रूप में भी, वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का बार बार उनका सोच विचार ऐसी है। अभी केसीआर ने अपना बीआरएस के सभा जो खम्भम में हो रहे थे उसमें
हम बोल तो अपना दूसरे राज्यों का मुख्यमंत्री को भी वहाँ पर लेके वहाँ पर जाके उनको दिखा के और एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी का उनको एक ओपनिंग भी जो बता है, इसमें भारतीय जनता पार्टी इसके ऊपर विचार करते हैं और इसके ऊपर भी एक इन्वेस्टिगेशन करने का डिमांड भी करते हैं। बीजेपी के हमलावर होने के बाद केटीआर की तरफ से इस ट्वीट को डिलीट कर दिया गया और बीजेपी ने जिस तरह से मंदिर के बहाने केसीआर केटीआर पर शिकंजा कसा है, आने वाले चुनाव में इसका मुद्दा बनना तय है। 2.33 एकड़ में बने इस विशाल मंदिर के कई प्रत्येकताओं की अगर हम बात करते हैं तो उनमें से सर्वप्रथम बात करनी होगी इस पत्थर की। इस पत्थर की खासियत के बारे में तो मैं बताना चाहूंगी, लेकिन सबसे पहले इसका नाम बताऊं। इसे कहते हैं कृष्ण शिला। जी हाँ, इस कृष्ण शिला के बारे में बताया जा रहा है जिन्होंने इस मंदिर को बनाया कि पिछले 500 सालों में जितने भी मंदिर बने हैं उनमें से पूरा का पूरा कृष्ण शिला से ही बना हो, ऐसा ये पहला मंदिर है। और इस कृष्ण शिला को जहाँ से लेकर आए गए हैं अगर हम वहाँ की बात करते हैं तो आंध्र प्रांत के गुंटूर और प्रकाशम जिले के पास के गांव से जो है इस पूरे पत्थर को लेकर आया गया है। और ये सब घर से ही हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस करके हर महीने लाखों कमाते हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। 2,00,000 टन के पत्थर का उपयोग इस पूरे मंदिर को बनाने के लिए किया गया है और यहाँ तक कि इस कृष्ण शिला के भी तीन तरह हैं, पुरुष कृष्ण शिला, श्री कृष्ण शिला और नपुंसक कृष्ण शिला। और बताया जाता है कि मंदिर की मूर्तियों को बनाने के लिए स्त्री और पुरुष कृष्ण शिला जो है उसी का उपयोग किया जाता है। और इस जो अगर हम बात करते हैं कृष्ण शिला की, तो ये भी बताना ज़रूरी है कि जब इस मंदिर को बनाया जा रहा था उस वक्त में इसके पत्थर का सैंपल IIT चेन्नई लेकर जाया गया और वहाँ पर जो है ये पता लगा कि अगले 2000 साल तक जो है इस पत्थर की क्वालिटी जो है ऐसी ही बनी रहेगी। और शायद यही वजह भी है कि इसको लेकर राजनीति भी हुई। जब ये मंदिर बन रहा था तब ये माना जा रहा था कि इस तरीके से जो प्रतिमाएं बन रही हैं उनमें से KCR की भी प्रतिमा या फिर उस पार्टी के चिन्ह का भी उपयोग किया जा सकता है, लेकिन क्योंकि विवाद हुआ तो उस सोच को एक तरीके से ड्रॉप कर लिया गया और ये कहा गया कि ये तो सिर्फ राजनीति है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।